वेलकम टू अवर मैथ्स क्लास माई डियर स्टूडेंट्स। हेलो बेटा, एज यू नो दैट वी आर डूइंग 6.4। हम 6.4 कर रहे हैं ना बेटा, और 6.4 में जो क्वेश्चन पर फर्स्ट है उसका मैंने आपको ए बी सी करवाया था। मैं इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके करवा रही हूँ, वो इसलिए ताकि क्योंकि हमारी जो ये यूनिट है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, वैसे तो बहुत ईजी है, थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देंगे, वीडियो को रिपीट कर करके बार बार सुनेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा बेटा। अगर आप सुनेंगे ही नहीं और फिर आप कहेंगे बिना सुने कि मैम समझ में नहीं आ रहा, तो बताओ बेटा मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ। एक बार आप देखो तो सही, मैम ने हमें समझाया कैसे, आप पूरी वीडियो को देखिए। आप क्या करते हैं, कुछ बच्चे, मैं सबकी बात नहीं करी, कुछ बच्चे क्या करते हैं थोड़ा सा चला लेते हैं फिर बंद कर देते हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा। ऐसे नहीं होगा, आपको पूरी वीडियो देखनी। मैं फिर कह रही हूँ, जो वीडियो हम भेज रहे हैं, हम सभी टीचर्स जो भी भेजते हैं आप उसको पूरा देखिए बेटा, पूरा सुनिए, समझिए, और एक बार नहीं कम से कम 2-3 बार, 3-4 बार रिपीट करिए। उसके बाद में आप देखेंगे कि आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी नहीं आता है तो मैंने आपको बहुत बार कहा कि आप मुझे कॉल करिए मेरे नंबर पर। अब जब आप कॉल करके नहीं पूछेंगे तो फिर मैं आपकी हेल्प कैसे करूंगी, मुझे कैसे पता चलेगा कि किस बच्चे को क्या समझ में आया नहीं आया, है ना? ये तो आप मुझे आप ही बताएंगे। आप बताइए मैं क्या सोच रही हूँ कि आपको पता चल जाता है बिना बोले? नहीं ना। तो बेटा जो आप सोच रहे हो वो मैं कैसे पता कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। तो इसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए, कि ये चाहिए, एक तो कि आप वीडियो पूरा देखिए, और एक बार नहीं कम से कम 2-3 बार रिपीट करिए जब तक कि अच्छे से क्लियर नहीं होता। बहुत बार कोशिश करने के बाद भी, 2-3 बार देखने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हम समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप मेरे नंबर पर कॉल करके मुझसे पूछ लीजिए। अच्छा बेटा, अब हमने किया था क्वेश्चन, जो हम अभी कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि एक तो हम कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद उसका एससीएफ निकालते हैं। जैसे मैंने मल्टीपल्स सिखाया थे, मल्टीपल्स क्या होते हैं, जैसे 7 का मल्टीपल्स, अगर मैं आपसे पूछूँ 7 के मल्टीपल्स, तो जो भी नंबर 7 की टेबल में आता है वो तो उसका मल्टीपल्स हो गए। लेकिन फैक्टर्स क्या होते हैं, कि वो नंबर किस किस की टेबल में आता है। फिर से सुनिए, फैक्टर्स मतलब कि वो नंबर किस किस के टेबल में आता है, वो उसका फैक्टर है। जैसे 8 8 1 की टेबल में आता है, 8 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है ना? इट मीन्स कि 1 2 4 8 उसके फैक्टर हैं। ऐसे हमने फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, कोई दो नंबर जो भी हमें दिए हुए हैं, हम ये देखेंगे कि वो जो दो नंबर के जो फैक्टर्स हैं उसमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में आया है, दोनों का फैक्टर है, वो कॉमन फैक्टर हो गया। उन कॉमन फैक्टर को हम नीचे नोट करते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा है वो हमारा एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, अब इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए भी मैंने आपको डिविजिबिलिटी समझाई है। मैंने आपको अभी 6.3 जब करवाई थी उसमें भी डिविजिबिलिटी समझाई थी, है ना बेटे? तो हम स्टार्ट करें, और अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए। मैंने आपको होमवर्क दिया था, क्या दिया था होमवर्क, जिसको आपको क्या करना है, चेक, क्या करना है बेटा, चेक करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो डी था वो मैंने आपको होमवर्क में और ई दिया था। तो सबसे पहले दिया था 45 एंड 65। ठीक है, अब आपको पता है जो 45 है, एक तो आता है 1 की टेबल में और 45 की टेबल में आता है ना बेटे, फिर क्योंकि ये ऑड नंबर है इसलिए किसी भी इवन नंबर की टेबल में नहीं आएगा। 3 से चेक करते हैं तो 4 प्लस 5 कितना होता है, 9, यानी ये 3 की टेबल में आएगा। क्यों? क्योंकि 4 प्लस 5 कितना आया, 9। जो टोटल आता है, वो जो टोटल में जो नंबर आएगा वो 3 की टेबल में आता है। इसका मतलब है कि ये जो नंबर दिया हुआ है ये भी 3 की टेबल में आएगा, है ना? अब हम करते हैं 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 से आप जब 45 को डिवाइड करते हैं तो आप इस तरह से डिवाइड करके भी देख सकते हैं, 3 बन जा 3, 3 5 जा 15, रिमाइंडर आ गया ना 0। जब रिमाइंडर 0 आता है तभी हमें पता, तो इसका क्वेश्चन कितना आया, 15 आया ना बेटा, क्वेश्चन कितना आया 15। अब आप क्या करिए, यहाँ नोट कर लीजिए 15, यानी 3 को 15 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है बेटे, 45, है ना? नेक्स्ट नंबर, क्योंकि ये इवन नंबर की टेबल में ऑड नंबर नहीं आते, 4 से तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब आप 5 से करिए, हाँ 5 9 जा 45,
सिक्स में आ नहीं सकता, ऑड नंबर है, सेवन में देखते हैं। तो सेवन की टेबल जब मैंने बोली, आप भी बोल के देखिए, कहीं भी 45 नहीं आता है, क्यों? 7 6 42, 7 7 49, तो 42 आ गया, फिर 49, यानी 45 तो नहीं आया। ऐसे 8 के टेबल में तो आएगा नहीं, क्योंकि ये नंबर क्या है, ऑड है, लेकिन ये 9 के टेबल में तो आएगा, और 9 यहाँ आ चुका है ना, यानी वापस रिपीट होने लगे, तो इसके फैक्टर्स तो हो गए यहाँ पे खत्म। नेक्स्ट नंबर था 65, था बेटा। तो अब आप इसको, ये तो पता है 1 × 65 होगा, अच्छा ऑड नंबर है, 2 से नहीं होगा, 3 से चेक करिए, तो 6 + 5 कितना होता है बेटे, 11 होता है, क्योंकि 11 है, और 11 3 के टेबल में आता है नहीं, यानी 65 भी नहीं आएगा। 4 से, क्योंकि ऑड नंबर है 4 में आना नहीं, 5 से चेक कर लें, 5 से जब 65 को डिवाइड किया तो यहाँ आ गया 13, है ना, आप डिवाइड करके देख लीजिए, तो 5 13 65 हो गया। 7, क्योंकि ये 6 में तो आएगा नहीं, 7 के टेबल में भी 65 नहीं आता, आप 7 के टेबल बोल के चेक कर लीजिए, 7 9 63, 7 10 70, 8 में आएगा नहीं और 9 में भी नहीं आता 65, है ना, 9 7 63, 9 8 72, अब 10 में भी नहीं आता, 11 में भी 66 नहीं है, 12 में आ नहीं सकता, ऑड नंबर है, तो पीछे बचा 13 आता है, और 13 रिपीट हो चुका है, यानी जो इसके फैक्टर्स थे किसके बेटा, 45 और 65 के, 1 3 5 9 15 एंड 45, और यहाँ देखा मैंने 1 5 13 65, है ना। अब आप देखिए कॉमन फैक्टर्स, कॉमन यानी जो दोनों में आए, तो 1 आया है, एक 5 आया है, और कोई आया नहीं। अब मैंने देखा कॉमन फैक्टर्स तो जो थे वो क्या थे, 1 एंड 5। अब आपको फाइंड आउट करना है HCF, तो HCF आपका क्या आएगा, जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट कौन सा फैक्टर है, 5, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है बेटे, 5 है, तो इसका HCF क्या है, 5, ऐसे ही किया आपने। नेक्स्ट मैंने आपको क्या दिया था बेटा, ई दिया था, है ना, और ई में दिया था 20 एंड 40, जो 20 है आपको पता है 1 × 20, फिर 2 × 10, 3 में तो आएगा नहीं, 20 नहीं आता है, नेक्स्ट 4 5 सा, और फिर 5 पे ये रिपीट हो गया, यानी अब जब रिपीट होता है तो आप वहीं स्टॉप हो जाइए, आगे नहीं देखेंगे। नेक्स्ट है 40, तो 1 × 40, फिर 2 × 20, 3 में 40 आता है, 3 × 10 4 + 0 4 नहीं आता, अच्छा 5 8 = 40, 6 की टेबल में 40 नहीं आता, मैं बोल के देख चुकी ना, 7 में आता है, 8 में आता है, 8 रिपीट हो गया, नहीं यहाँ पर फिनिश। तो आपने क्या देखा, जो फैक्टर्स थे 1 2 4 5 10 20, और ये किसके थे, 20 के, है ना, और नेक्स्ट नंबर क्या था, 40, 40 का फैक्टर है 1 2 5 8 20 40। अब कॉमन फैक्टर्स जब मैंने देखे तो 1 2 5 एंड 20, तो इसके कॉमन फैक्टर्स तो क्या निकले बेटा आपने, 1 2 5 20, है ना। और अब आपने देखा हाईएस्ट जो सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा फैक्टर क्या देखा आपने, 20, क्या है बेटा, 20, तो ये इसका क्या हो गया, HCF, आया समझ में आपको। तो आपका यहाँ तक तो ये हो गया होमवर्क, अब आगे करें बेटा, समझ में आया, आपने ध्यान से सुना कैसे किया हमने, है ना, और कैसे हम इसे देखते हैं कि ये नंबर किस किस की टेबल में आएगा, ये भी कैसे हमें देखना है, इसका भी मैंने आपको मेथड्स बताए, ये भी आपके, अगर आप ये याद कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं, तो बेटा आपकी 6.6 जो एक्सरसाइज है ना, उसमें हमें डिविजिबिलिटी ही सिखाई है, जिसकी मैंने आपको बार 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 प्रैक्टिस करवाई है, समझाती जा रही हूँ, 6.3 से उस चीज़ को मैं करवा रही हूँ। तो अब यहाँ तक हमारा फिनिश हो गया और आप शायद इसे समझ गए होंगे। लेट्स कम टू ई, नेक्स्ट हमें क्या गिवन है बेटे, ई, तो हम इसका ई देखेंगे, ई में क्या गिवन है, 66 एंड 68, है ना, 66 एंड
पहला नंबर है 66, तो आपको पता है यहाँ तो हो गया 1 into 66, ये तो 68 में भी हो जाएगा 1 into 68। अच्छा, क्योंकि इवन है तो 2 की टेबल में तो आएगा ही आएगा, 2 3 6 2 3 6। 66 6 + 6 कितना होता है 12, 12 3 की टेबल में आता है यानी 66 भी आएगा। तो आप 3 से भी देखिए, 3 2 6 3 2 6। अब 4 की टेबल में आता है तो हम इसे डिवाइड करके देख लेते हैं, 4 1 4, और 26 आता है नहीं आता यानी 4 से तो हो ही नहीं सकता, ये 5 से इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 6 है ना वन प्लेस पे। अच्छा, अब नेक्स्ट है 6 से चेक करते हैं, 6 1 6 6 1 6, और जो नंबर 2 और 3 की दोनों के टेबल में आता है वो 6 में तो आएगा ही आएगा, ये भी मैंने आपको सिखा रखा है। अच्छा, 7 में 66 नहीं आता, 8 में 66 नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता, 11 में आता, ये रिपीट हो गया यानी 66 यहाँ पे फिनिश। अब आप आ जाइए 68 पे, तो 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 3 6, 2 4 8, ठीक है। अब 6 + 8 कितना होता है बेटा, 14, और 14 नंबर 3 की टेबल में नहीं आता, इसमें जब 3 की टेबल में नहीं आता ये, अब जब 3 में नहीं आता तो 6 में तो आएगा ही नहीं। नेक्स्ट नंबर है 4, तो 4 से मैंने जब करा इसे डिवाइड 68 को, तो मैंने देखा 4 1 4, ये आ गया 2, 8 आ गया नीचे, और 4 7 28 है ना यानी 28। तो मैंने क्या देखा, क्वेश्चन आया 17, कितना आया 17, यानी 4 को जब 17 से मल्टीप्लाई किया तो 68 आ गया। 5 में ये आएगा नहीं क्योंकि यहाँ 8 है। नेक्स्ट नंबर क्या है बेटे, 6, क्योंकि जो नंबर 2 और 3 दोनों में आते हैं वही 6 में आता है, और ये 6 में भी नहीं आएगा। 7 से करके देख लीजिए आप, 7 की टेबल में 68 नहीं आता है, ऐसे ही 8 की टेबल में भी 68 नहीं आता, 9 की टेबल में भी नहीं आता, 10 में नहीं आता, 11 में नहीं आता, 12 की टेबल में भी नहीं आता 68, 12 5 से 60, 12 6 से 72 है ना। नेक्स्ट नंबर क्या है मेरा, 13 का टेबल मैंने बोल के देखा वहाँ भी नहीं आ रहा है ना, और ना 14 की टेबल में आ रहा है, ना 15 की टेबल में आ रहा है, 16 में भी नहीं आ रहा, 17 में आता था वो रिपीट हो गया। यानी आपने क्या देखा कि जो 66 है उसका तो हो गया 1 2 3 6 11 22 33 66, और जो नंबर था 68 इसके कॉमन, इसका फैक्टर है 1 2 4 17 34 एंड 68, ठीक। अब मैं देखती हूँ कॉमन फैक्टर्स, तो मैंने कॉमन फैक्टर देखा एक तो 1 1 2, उसके बाद आपको दिख रहा है ऐसा कोई नंबर जो रिपीट हुआ है, नहीं हुआ, यानी इसके कॉमन फैक्टर है 1 एंड 2। अब आपको क्या देखना था, एस सी एफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, सबसे बड़ा 2, ये 2 हो गया, समझ में आ रहा है। मैंने आपको ये दो पार्ट्स में करवाए हैं इसलिए ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। तो आपको ये ई सॉरी एफ है, ये मैंने मिस्टेक लिख दी, डी और ई तो हम कर चुके हैं, सॉरी एफ, तो एफ आपको समझ में आ गया बेटा, है ना। अब हम इसका नेक्स्ट करेंगे जी, तो जी बहुत इजी है फिर से, 24 एंड 81। अब आप 24 देख लीजिए यहाँ पे, तो 1 × 24 कितना होगा 24, फिर हम इसे किससे करेंगे क्योंकि इवन नंबर है, 2 से कर लेते हैं, 2 1 2 2 2 4, 2 + 4 कितना होता है 6, 3 की टेबल में भी आता है, 3 8 24, अच्छा 4 की टेबल में आता है, यस 4 6 24, 5 में तो नहीं आता लेकिन 6 में आता है, 6 यहाँ हो गया यानी 24 हो चुका है। नेक्स्ट नंबर है 81, तो 81 1 × 81, अब ये ऑड नंबर है ना 81, तो 2 के टेबल में तो आएगा ही नहीं क्योंकि 2 के इवन नंबर, ऑड नंबर कभी भी इवन नंबर की टेबल में नहीं आता है ना। आप बोल के देख लीजिए कोई भी टेबल कभी भी इवन नंबर की टेबल में इवन नंबर ही आता है, ऐसा क्यों, क्योंकि इवन नंबर जब रिपीट हो रहा है, 2 को 2 बार 2 2, तो 2 को 2 बार क्या 4 बन गया है ना, ऐसे 4 4 4, तो आपने क्या देखा 12 बन गया ऐसे, इसीलिए 4 3 12, 4 4 16, किसी भी इवन नंबर की टेबल में ऑड नंबर आता ही नहीं है, यानी ये नंबर किसी भी इवन नंबर की टेबल में नहीं आएगा। तो नेक्स्ट है 3,
थ्री से चेक करने के लिए 8 + 1 9 आता है, यानी 3 में आएगा। तो हमने जब इसे मल्टीप्लाई किया 3 2 6, 3 7 21, तो यानी 3 × 27 कितना होता है 51। अब ये 5 में आएगा नहीं, 4 से तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑड नंबर है। अच्छा 5 में आता नहीं है, 7 से चेक कर लीजिए नहीं होता, 7 × 7 नीचे 11 बच गया। अब आप आइए 8 की टेबल में तो आएगा ही नहीं, ऑड नंबर है। अब ये 9 से चेक करिए तो 9 9 81। लेकिन आपने क्या देखा कि 9 और 9 रिपीट हो गए, हो गए। जब रिपीट हो गया इसका मतलब है कि अब हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लियर। अब आप देखिए इसके फैक्टर्स 1 2 3 4 6 8 12 24, ये किसके फैक्टर है बेटा 24 के। अगला नंबर क्या था 81 1 3 9 27 81, है ना। कॉमन फैक्टर्स क्या देखिए, एक तो 1 है, 1 3 है बस। यानी कॉमन फैक्टर्स क्या निकले मेरे पास, 1 है 3, और HCF मतलब हाईएस्ट, तो इसमें से सबसे हाईएस्ट क्या था 3। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 3, यानी 3 की टेबल में ही ये नंबर आता है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाया है, G F and G, क्लियर बेटा। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू, ये आपको समझ में आया हाँ या नहीं। आपने क्या किया अभी 6.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। फर्स्ट का हमने पहले किया था F और उसके बाद हमने किया G। अब हम देखते हैं H। तो H देखिए बेटा, H है मेरे पास में 49 and 28, 49 एक तो 1 × 49, 2 में आएगा नहीं, 9 + 4 13, इसलिए 3 में भी नहीं आएगा, और नंबर 4 में आएगा नहीं, 5 में आएगा नहीं क्योंकि 9 है यहाँ पे, 6 में आता नहीं है, 7 7 सर 49, है ना। तो आपने क्या देखा कि यहाँ तक ये रिपीट हो गया, आगे नहीं जा सकते हम। 28 देखते हैं तो 1 × 28, क्योंकि ये इवन नंबर है तो ये 2 की टेबल में भी आएगा, है ना। 28 8 + 2 10, यानी 3 की टेबल में तो आएगा नहीं। 4 में देखें, यस 4 7 28, 5 में आता नहीं है, 6 में भी नहीं आता, 7 में आता है, 7 रिपीट हो गया। तो जो 49 है आपने देखा उसके फैक्टर है 1 7 49, और जो 28 है उसकी फैक्टर है 1 2 4 7 14 and 28। अब आप देखिए कॉमन फैक्टर्स, तो एक तो 1 है, एक 7 है बस, 1 and 7। अब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिखा आपको, 7। Any doubt, any problem beta in this question? है? लगता है आपको कोई problem है? नहीं है, है ना? अब देखिए इसी का एच कर लिया हमने, आई आई में क्या गिवन है 48 and 32। इसे हम देखते हैं 48 को सबसे पहले, 1 × 48, 8 2 से कर दीजिए क्योंकि इवन नंबर है, 2 2 4 2 4 8, क्लियर। 4 + 8 12, यानी 3 से भी होगा, 3 1 3 3 6 18, 4 से होगा, यस 4 1 4 4 2 8, 5 से तो होगा नहीं, 6 की टेबल में 48 आता है, देखिए 6 8 48, 7 की टेबल में नहीं आता, 8 में आता है, 8 रिपीट हो गया। आगे आते हैं 32, तो 1
टू से करिए, इवन नंबर है इसलिए हो गया। टू की टेबल में आया ना, 32 को 2 से डिवाइड किया तो 16 आ गया ना, इसलिए 2 इंटू 16 हो गया। 3 से करके देखेंगे तो 3 प्लस 2 5 होता है, इसलिए 3 की टेबल में आएगा नहीं। 4 से देखिए, यस 4 8 जा 32। अच्छा फिर देखिए 5 में आता नहीं है, 6 में नहीं आता 32, 7 की टेबल में भी 32 नहीं आता बोल के देखिए चाहे। अब 8 में आता, 8 रिपीट हो गया। ठीक है, आपने क्या देखा कि जो 48 है उसके जो फैक्टर है, आपने क्या देखा, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48, और जो नंबर है हमारा 32, इसका है 1, 2, 4, 8, 16, 32। कॉमन फैक्टर्स जब देखिए 1, 2, 4, 8, 16, है ना। कॉमन फैक्टर्स क्या निकले बेटा इसके, कॉमन फैक्टर्स क्या थे, 1, 2, 4, 8, 16। अब आपने क्या देखा, HCF, मेरे पास जगह नहीं थी फाइंड करने में इसलिए मैंने ऐसे लिखा। आप इसे किस में नोट करेंगे बेटा, नीचे नोट करेंगे। ठीक है, HCF सबसे हाईएस्ट क्या आया, 16 आया, ले लीजिए 16। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया अपना HI। आज हमने किया किया, एक तो हमने होमवर्क चेक किया D और E, और उसके बाद में हमने अपना होमवर्क चेक करने के बाद में, यस होमवर्क चेक कर दिया। और होमवर्क चेक करने के बाद आपने क्या चेक किया है, अपने क्वेश्चंस किए FGHI किए, है ना, FGHI। और इसे करने के बाद हमने देखा कि हम कैसे कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं, कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने के बाद में फिर हम कैसे अपना HCF फाइंड आउट करते हैं। जो कॉमन फैक्टर का जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो हमारा HCF होता है, यस और नो, यस। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा आज का काम फिनिश हो गया। अब मैं आपको दे रही हूँ ये मैथ्स का होमवर्क। मैथ्स होमवर्क में जो आपकी एक्सरसाइज है कौन सी है बेटा, 6.4 क्वेश्चन फर्स्ट का जो आई के बाद में आता है जे, तो जे आपका क्या है, आज का होमवर्क है, ये आपको होमवर्क में करना है। सो ओके बेटा, टेक केयर एट योर होम, डू दिस वर्क इन योर नोटबुक विद गुड हैंडराइटिंग, बाय बेटा।